मालूमाती दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उनवान है ईद मिलादुन्नबी, जिसे 12 रबीउल अव्वल भी कहा जाता है। 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। रबीउल अव्वल इस्लामी कमरी तकवीम में तीसरा महीना है। ये मुकद्दस महीना मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे। पूरी दुनिया में उम्मत मुसलमान अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई अकीदत और इत्तेहाद जाहिर करने के लिए ये जबरदस्त दिन पूरे दिल से मनाती है। मस्जिद, घर, दूसरी तजारती इमारतें इस मुबारक दिन सब्ज बत्तियों और सब्ज झंडों में जगमगाती दिखाई देती हैं। लोग अपने घरों और यहाँ तक के सड़कों को पूरे जोश और खरोश से सजाते हैं, ताकि इस दिन बड़ी खुशी का इजहार किया जा सके। विलादत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का अरब में पैदा हुए और 632 में मदीना में रहलत फरमा गए। ये ख्याल किया जाता है कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को 570 में पैदा हुए। जैसा कि एक सही मुस्लिम हदीस में नकल की जाती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को पैदा हुए थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैंने वही हासिल की। जिस साल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इसे हाथी का साल भी कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इस साल अल्लाह ताला ने काबा को हाथियों के साथ एक हबशी फौज से बचाया था। ये वाकया हाथी के बाब अल-मुत्तलिब बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से, जो अपने दादा से बयान करते हैं, उन्होंने कहा, मैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथी के साल में पैदा हुए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मौजज़ात पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा आमिना ने बयान किया कि उन्हें हमल के मामूल की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि दूसरी औरतों को होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपकी माँ ने एक ख्वाब देखा। आपने एक जबरदस्त रोशनी को जन्म दिया, जो शाम में बसरा के महल्लात की तरफ बढ़ी। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपके बारे में बताया गया कि आपसे एक बेपनाह रोशनी निकली, जिसने पूरे घर को रोशन कर दिया। 100 साल पुरानी आग, जिसकी पूजा की जा रही थी, पारस में बुझा दी गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, जो अपने बेटे की पैदाइश से पहले ही रहलत कर गए। इसके बाद 6 साल की उम्र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ को भी खो दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की, और जब वो रहलत फरमा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी ली। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से वही मिली। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम गारे हिरा में नमूदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के ये अल्फाज पढ़ने का हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए, जिसने आलम को पैदा किया, जिसने इंसान को खून की पुटकी से बनाया, पढ़िए और आपका परवरदिगार बड़ा ही करीम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, जो बुरे कामों और तवहमात में बुरी तरह मुलव्वस थे। अहम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रास्तबाजी और फजीलत का रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से वो अजीम मुसलमान और अच्छे इंसान बन गए। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि सही रास्ते पर चलना ही अल्लाह ताला का फजल और बरकत हासिल करने का वाहिद रास्ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खबरदार किया कि वो शैतान का रास्ता छोड़ दें, जो उनका अजीम दुश्मन है। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद और तालीमात की वजह से इस्लाम का नूर न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया भर में रोशन हुआ। एक अवामी छुट्टी रबीउल अव्वल के मौके पर पूरे पाकिस्तान में और कुछ दीगर इस्लामी ममालिक में भी आम तातील होती है। अरब में इस दिन 12 को मिलादुन्नबी छुट्टी कहा जाता है। तहम इसे पाकिस्तान में ईद मिलादुन्नबी की छुट्टी कहा जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमान के लिए इस अजीम एहसास का दिन है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इस्लाह के लिए भेजा गया था, लिहाजा उम्मत मुसलमान को इनकी तालीमात और इस्लाहात पर अमल करना चाहिए। इस खास दिन पर हम मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने का, अपने आप से ज्यादा अकीदत का
वादा करना चाहिए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि उम्मत मुसलमान की कामयाबी और तरक्की सिर्फ अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने में पोशीदा है। 12 रबीउल अव्वल को खसूसी दुआएं और सलावात। रबीउल अव्वल को मुसलमान मस्जिद में खसूसी नमाजें पढ़ते हैं और इन और अनगिनत सलावात दुरूद शरीफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अहमियत बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस दिन मुसलमान ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजते हैं। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैह। खसूसी तकरीबात। रबीउल अव्वल के बाबरकत दिन पर सीरत-उन-नबी के मौजू पर खसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और इस्लामी उलमा ने 12 रबीउल अव्वल को पैगम्बर इस्लाम सल्लम की अजीम सीरत जिंदगी के हवाले से आगाही फैलाई। उलमा ने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमाया तौर पर उजागर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के एक मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैरोकार होने के नाते इनकी सुन्नत पर अमल करना कितना जरूरी है। नात के मुकाबले सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने वाले प्रोग्रामों के अलावा कौमी और कौमी सतह पर नातिया मुकाबले और क्विज प्रोग्राम भी होते हैं। चुरका पूरे जोश व खरोश से नातें पढ़ते हैं ताकि पूरे दिल से और अकीदत के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया जा सके। रैलियां और जुलूस। इस खास दिन पर लोगों की तरफ से खसूसी रैलियां और जुलूस भी निकलते हैं। वो ज्यादातर सब्ज पगड़ियां पहनते हैं और अपने हाथों में सब्ज झंडे लहराते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए, क्योंकि ये सब्ज रंग इनका पसंदीदा रंग माना जाता है, लोग इस दिन खास किस्म का खाना पकाते हैं। वो इसे घरों, गलियों और मस्जिद में दिल खोल कर लोगों में तकसीम करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए मशले राह हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हम सब के लिए एक रोल मॉडल है। इनकी तालीमात अंधेरे में रोशनी का काम करती हैं। न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी और रहनुमाई का ये जरिया है। रोशनी और रहनुमाई का ये जरिया हमें रास्ते की तरफ ले जा सकता है, जो कि अल्लाह का हकीकी रास्ता है। मालूमाती दुनिया के दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।